आज हम बनाएंगे सभी को पसंद आने वाले फ्रेंच फ्राइज। इसे हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और इसके साथ एक हम चीजी डिप भी बनाएंगे जो कि फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट डबल कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलिका खुराना हेल्दी रेसिपीज होम में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए 5 हमने बड़े साइज के आलू ले लिए हैं। इसका छिलका पील कर देते हैं, निकाल देते हैं और इसे पानी में डालते जाएंगे ताकि आलू काले ना पड़े। सारे आलू का छिलका निकाल लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे, धो लेंगे और बाउल में साफ पानी डाल देंगे। अब इसे हम फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट कर लेंगे। ये आप नाइफ से भी कर सकते हैं या फिर किसी कटर से भी कर सकते हैं। हम इसे कटर से काट रहे हैं। कटर से ये इवनली एक साइज के कटते हैं। अब इसे हम साथ के साथ पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। सारे आलू को हमने काट लिया है। अब इसे हम एक बार फिर से धो लेंगे ताकि इसमें स्टार्च खत्म हो जाए। एक कढ़ाई में हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। पानी बॉयल हो रहा है तो आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें आलू डाल देंगे। हल्के हाथ से चला लेंगे ताकि ये टूटे ना। आलू को बॉयल होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो हम एक फ्रेंच फ्राई को निकाल के देखते हैं। ये देखिए, ये टूट रहा है लेकिन मैश नहीं हो रहा, तो हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक टोकरी में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि सारी कुकिंग रुक जाए और इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। ऐसा करने से फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी बनते हैं। 2 घंटे हो गए हैं तो मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दूंगी। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को एक बार अच्छे से गर्म होने दें, अच्छे से धुआं आने दें और फ्लेम बंद कर दें। अब हम फ्रेंच फ्राइज को फ्रिज से निकालेंगे। ऑयल को बंद किए 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो हम फ्लेम लो कर देंगे और फ्रेंच फ्राइज को ऑयल में डाल देंगे। मैं अपने घर में रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ, या फिर घी यूज़ करती हूँ या फिर मस्टर्ड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हेल्दी नहीं होता है तो इसे घर में यूज़ ना करें और मस्टर्ड ऑयल को एक बार बॉयल करके ठंडा करके फिर यूज़ करें। फिर इससे स्मेल नहीं आती है। सरसों के तेल में आप कच्ची घनी या फिर पीली सरसों का तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही हेल्दी हैं। फ्रेंच फ्राइज डालने के बाद हमने फ्लेम को हाई कर दिया था। इसे हमने 2 बार फ्राई करना है। 4 मिनट हो गए हैं तो इसे निकाल लेते हैं। 2 बार फ्राई करने से और क्रिस्पी बनेंगे। अब हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं और इसको फैला देंगे ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। इसे भी हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसे भी फ्राई होते हुए 4 मिनट हो गए हैं तो इसे भी निकाल लेते हैं। सारे फ्रेंच फ्राइज को थोड़ा ठंडा होने देंगे। आप इन फ्रेंच फ्राइज को ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में डाल के 5 से 7 दिन के लिए फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मन करे या फिर कोई गेस्ट आ जाए, आप फटाफट से इसे फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्रेंच फ्राइज ठंडे हो गए हैं। इन्हें हम गरम तेल में हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। कलछी से चलाएंगे भी। 2 मिनट में ही देखिए ये कितने गोल्डन गोल्डन कलर के हो गए हैं और क्रिस्पी भी लग रहे हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। आवाज़ सुनिए, देखिए कितने कुरकुरे बने हैं। सारे फ्राइज को हम निकाल लेते हैं। बाकी के फ्रेंच फ्राइज को भी फ्राई कर लेंगे। सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं। फ्रेंच फ्राइज के ऊपर नमक, काला नमक, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे और मिक्स करेंगे। आवाज़ से ही आपको पता चल रहा है ना ये कितने बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। अब इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मुझे तो फ्रेंच फ्राई ऐसे खाने में ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों को आजकल चीज़ी डिप चाहिए, तो चलिए फटाफट से चीज़ी डिप बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है तो 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। ज़्यादातर लोग इस डिप को मैदे से बनाते हैं, लेकिन मैं इसका हेल्दी वर्जन बना रही हूँ तो मैं इसको गेहूं के आटे से बनाऊंगी। ये देखिए, इसे हमने लो फ्लेम पे रोस्ट कर दिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो 1 कप दूध डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। 1/8 टीस्पून नमक डालेंगे और साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स। मिक्स करेंगे। हमें थोड़ी कंसिस्टेंसी थिक लग रही है तो थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। हमने तो यहाँ पे पूरे दूध का यूज़ किया है। आप चाहें तो आधा दूध और आधा पानी भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। इसमें हम 1 चम्मच केचप ऐड करेंगे।
ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और फ्लेम हम लो रखेंगे। 2 बड़े चम्मच मोजरेला चीज़ के डालेंगे। आप इसकी जगह पे प्रोसेस्ड चीज़ या फिर चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए चीज़ी डिप रेडी है और इसे बनने में 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। चीज़ी डिप को हम फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करते हैं। वाओ, आ गया ना मुँह में पानी। आप इसे ट्राई ज़रूर करना और अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आप इसे फ्रेंच फ्राइज के ऊपर भी डाल सकते हैं। अब आप भी एक क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाइए साथ में चीज़ी डिप। खाइए और इंजॉय करिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।